हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग है, वीकेंड का ही है। तो मेरे भैया आए हुए थे बनारस से, काफ़ी टाइम बाद आए थे बच्चों के साथ। तो हमारे घर पे भी आए थे, सबसे मिले, और फिर मेरी सिस्टर के घर भी गए थे फरीदाबाद। तो बस उन्हें फिर नेक्स्ट डे हम बच्चों को घुमाने के लिए लेके गए थे। फरीदाबाद में सेक्टर 12 में है, टाउन पार्क है, जो कि बहुत बड़ा और काफ़ी अच्छा पार्क है ये, जो कि अभी आपको आगे देखने को मिलेगा इस क्लिप में। तो ये है वो पार्क जो कि सेक्टर 12 में है फरीदाबाद में। बहुत बड़ा पार्क है ये, यहाँ पे हर तरीके के झूले वगैरह लगे हुए हैं, फाउंटेन्स वगैरह हैं, काफ़ी अच्छा है ये, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं इसमें। तो बस यहीं पर हम फिर थोड़ी देर बैठे वगैरह थे, छोटी सी एक पिकनिक काइंड ऑफ करी थी हम लोगों ने। तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा आराम वगैरह करा, बच्चों ने खूब सारी मस्ती करी, खेले बॉल वगैरह के साथ। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, शाम का टाइम था। यहाँ पे कार्तिक खेल रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा था कार्तिक और ओजस ने दोनों ने। इनके साथ मैं भी बच्ची बन गई, मैंने भी थोड़ा एंजॉय कर लिया। यही लाइफ है यार, थोड़ा बहुत अपने लिए भी जीना चाहिए। तो बस यहाँ पे हम सब ने खूब मस्ती करी। देन उसके बाद ये पार्क की दूसरी साइड थी जो ग्रैंड फिस्टा करके, यहाँ पर ना इसके इधर यहाँ पे काफ़ी सारे ना झूले लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी राइड्स हैं बच्चों के लिए, प्ले जोन भी है, गेम वगैरह हैं काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। अभी आप देखेंगे जैसे कि आगे इसमें बहुत अच्छे अच्छे राइड्स हैं, यहाँ पर बच्चों के लिए भी हैं, बड़ों के लिए भी हैं। तो हमने यहाँ पर बच्चों को कुछ राइड्स करवाई थी जो कि अभी आपको देखने को मिलेगा इसमें। यहाँ पे टिकट ले रहे हैं हम इस वाली राइड की, कार वाली की। तो यहाँ पे भैया ने दोनों बच्चों को ये वाली राइड करवाई थी, कार वाली इनको, जिसमें काफ़ी मज़ा आया था, बहुत एंजॉय करा बच्चों ने इस वाली राइड में। यहाँ पे ये एक गेम था, इसका 100 रुपये टिकट थी। इसमें अगर आप इसको 100 सेकंड तक होल्ड करके रखते हैं तो आपको 6 झूले फ्री की राइड मिलेगी, 6 झूलों पे। तो भैया ने काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट किया था, उन्होंने ऑलमोस्ट 60 सेकंड तक होल्ड किया था, देन उसके बाद उनसे छूट गया था हाथ। वो भी नहीं, लोगों की कुछ ट्रिक होती है तो उसी की वजह से छूट गया था, बट काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट करा था भैया ने। तो ये वाला गेम खेला था भैया ने हम लोगों के लिए, तो काफ़ी एंजॉय करा हम लोगों ने। देन उसके बाद ओजस ने ये वाली वाटर बोट वाली राइड करी थी, जिसमें वो तो नहीं चला सकता था, तो उसको हमने, वो छोटा है, वो अपने पैर से पैडल नहीं चला पाता, बट वो बहुत ज़िद कर रहा था, बट हमने उसको दूसरी राइड करवाई थी जो कि अभी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो उसने उस राइड को बहुत इन्जॉय किया था। देन उसके बाद मैंने और दमक ने एक राइड करी थी मेरी सिस्टर ने, बस क्योंकि मेरी बहन साक्षी तो वो तो कोई राइड करती नहीं है,
क्योंकि उसको झूलों से डर लगता है। तो बस हमने, कार्तिक ने ये वाली राइड करी थी और मैंने और दमक ने एक बड़े वाले झूले पर राइड करी थी, दैट्स इट। तो बस हमने यही सब यहाँ पे मस्ती करी। देन उसके बाद हमने यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं था। उसके बाद हम लोग घर चले गए थे, हमने मार्केट से ही कुछ कुछ चीज़ें ले ली थी बच्चों के लिए। तो बस हमने फिर घर पे बैठ के अच्छे से खाया पिया और अपना दिन एंजॉय करा, तो अच्छा लगा काफ़ी। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।